Hello students, we were doing the revision of chapter 3. We have revised up to exercise 3.2 in which we have done some properties or we can say some results to check whether the lines are intersecting, coincident and parallel and the graphical method to solve the pair of linear equations in two variables. Today we will revise the substitution method first. So let us take some example. देखिए एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ का मैं फोर्थ पार्ट करा रही हूँ आपको, सॉरी थर्ड का फोर्थ पार्ट क्या है इसमें. द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड एंड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 155. वट आर द फिक्स्ड चार्जेस and the charge per kilometer, how much does a person have to pay for travel a distance of 25 kilometer. कि एक टैक्सी है वो किस तरह से चार्ज पे करती है, एक तो उसके फिक्स चार्जेज हैं, साथ में डिस्टेंस कवर्ड के लिए अलग चार्जेज हैं. कोई पर्सन है जो 10 किलोमीटर के लिए जाता है तो उसको टोटल पे करना पड़ता है 105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर. अगर हम 15 किलोमीटर के लिए जाते हैं तो हमें टोटल पे करना पड़ता है 155. हमें बताना है फिक्स चार्जेस कितने हैं और चार्जेस पर किलोमीटर कितना है. और उसके बाद ये भी बताना है कि अगर हम 25 किलोमीटर उस टैक्सी में जाते हैं तो हमें कितना पे करना पड़ेगा. तो हम इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे. कैसे देखिए हमें फिक्स चार्जेस निकालने हैं टैक्सी के और चार्जेस पर किलोमीटर. तो मैंने लेट कर लिया, लेट द फिक्स चार्जेस फॉर टैक्सी रुपीज़ एक्स. फिक्स चार्जेस का मतलब कैसे है देखिए, जैसे सपोज मैंने टैक्सी बुक की तो अब मैंने बुकिंग के भी पैसे देने हैं. सपोज उसको कि बुक हमने किया है तो उतने रुपए तो देने ही देने पड़ेंगे कि ये तो फिक्स है, तो वो मान लिए रुपीज़ एक्स. फिर अगर हम उसमें जाते भी हैं तो हमें पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग अलग से पैसे देने पड़ेंगे. सो द चार्जेस पर किलोमीटर हमने कितने मान लिए, रुपीज़. उसके बाद देखिए इन्होंने कहा था अगर कोई पर्सन 10 किलोमीटर उस टैक्सी में जाता है तो उसको 105 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं. अब कैसे, जब हम उस टैक्सी में जाएंगे हमें फिक्स चार्जेस तो देने ही देने पड़ेंगे एक्स रुपीज़, प्लस एक किलोमीटर का चार्ज वाई रुपीज़ हैं, तो 10 का कितना हो जाएगा, 10 वाई. वही एक केला अगर 10 रुपये का है तो 15 केले कितने के होंगे, 15 की 10 से मल्टीप्लाई 150 रुपये के. तो फिक्स चार्जेस तो हमें देने ही देने हैं और एक किलोमीटर का वाई रुपीज़ है तो 10 का 10 वाई. तो टोटल पेमेंट कितनी हो जाएगी हमारी, फिक्स चार्जेस प्लस चार्जेस पर किलोमीटर के हिसाब से कितनी कॉस्ट आई, तो एक्स प्लस 10 वाई. तो टोटल ये हो गया और ये टोटल दिया भी हुआ कितना पे किया हमने उसको, 105. सिमिलरली कि अगर हम 15 किलोमीटर के लिए उस टैक्सी में जाते हैं तो हमें कितना पे करना पड़ता है, 155. फिक्स चार्जेस प्लस चार्जेस पर किलोमीटर इज इक्वल टू 155. तो देखिए दो इक्वेशन बन गई हमारे पास. सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि किसी भी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यूज निकाल के दूसरे इक्वेशन में, उसी में नहीं सब्स्टिट्यूट करनी, दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट मतलब उसकी जगह रख देना, रिप्लेस करना. तो मैंने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक्स की वैल्यू निकालनी चाह रही हूँ, एक्स इधर ही रखा, 10y इधर प्लस का था, उधर जाके माइनस का, ये बन गया 105 माइनस 10y. अब ये x की वैल्यू मैंने सेकंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करनी है, तो सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, जहाँ x है वहाँ ये वैल्यू पुट कर देंगे. यहाँ x था तो यहाँ रख दिया मैंने 105 एंड 10 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155. 15y माइनस 10y 5y, ये 105 इधर प्लस का था उधर जाके माइनस का, 5y 155 में से 105 माइनस करेंगे 50, 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, 5 से 50 कैंसिल, 10 y की वैल्यू आ गई 10. अब इस y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10. देखिए y की वैल्यू भी 10 आई थी, सब्सटीट्यूट कर दी, 105 माइनस 10 इंटू 10 इज 100, 105 माइनस 100 इज 5. एक्स की वैल्यू 5, वाई की 10. एक्स कौन था हमारा फिक्स चार्जेस और वाई कौन था चार्जेस पर किलोमीटर. तो हम लिखेंगे भी, सो द फिक्स चार्जेस फॉर द टैक्सी इज रुपीज़ 5 एंड चार्जेस पर किलोमीटर इज रुपीज़ 10. उसके बाद उसने हमसे पूछा कि अगर हम 25 किलोमीटर जाते हैं तो हमें कितना पे करना पड़ेगा, कितना किराया देना पड़ेगा, फेयर टू ट्रैवल 25 किलोमीटर. फिक्स चार्ज देने पड़ेंगे प्लस चार्ज पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग, 5 रुपये हमारा फिक्स चार्ज आया, प्लस 1 किलोमीटर का कितना है 10 रुपीज़,
25 का कितना आएगा, 25 से मल्टीप्लाई, तो 250 प्लस 5, 255। तो ये हमारा कौन सा मेथड था, सब्सटीट्यूशन मेथड टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी, उसके बाद उसको सोल्व करना पड़ेगा इस मेथड से। देखिए नेक्स्ट हम रिवाइज करते हैं एलिमिनेशन मेथड, द एक्सरसाइज 3.4 बेस्ड ऑन दिस मेथड। देखिए एक एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट करवा रही हूँ मैं, एक्सरसाइज 3.4 का। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। कोई दो डिजिट का नंबर है, उसके डिजिट्स का सम कितना है 9, और उस नंबर का 9 टाइम, जो एक्चुअल नंबर है उसका 9 टाइम इक्वल है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। जब हम उस नंबर के डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं, इट मीन्स जो यूनिट डिजिट है उसको टेंस डिजिट में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो टेंस डिजिट है उसको यूनिट डिजिट में, तो जो नंबर बनता है ऑर्डर रिवर्स कर उसके ट्वाइस के इक्वल है। हमें उस नंबर को पता लगाना है, फाइंड द नंबर। देखिए अगर दो डिजिट का नंबर है कोई भी, तो उसके अंदर एक यूनिट डिजिट होता है, एक टेंस डिजिट होता है। तो हमने यूनिट डिजिट्स को सपोज कर लिया x और टेंस डिजिट को सपोज कर लिया y। देखिए अगर जैसे 67 है, दो डिजिट का नंबर है, तो 67 को मैं लिख सकती हूँ 10 इंटू 6 प्लस 7। 6 कौन सा डिजिट था, टेंस डिजिट, और 7 कौन सा डिजिट था, यूनिट डिजिट। जैसे यहाँ पे 67 लिया, 10 इंटू 6 प्लस 7, 6 टेंस डिजिट था और जो 7 था वो यूनिट डिजिट। तो किसी भी दो डिजिट के नंबर को हम लिख सकते हैं 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। तो मैंने यहाँ यही लिखा कि यूनिट डिजिट अगर हमारा x है, टेंस डिजिट अगर हमारा y है, तो नंबर क्या बनेगा, 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। टेंस डिजिट कौन है हमारा y, और यूनिट डिजिट कौन है x, तो 10 इंटू वाई प्लस एक्स। अगर हम ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं, जैसे इसका अगर ऑर्डर रिवर्स करें तो ये बन जाएगा 76, मतलब जो यूनिट डिजिट था वो टेंस डिजिट बन जाएगा, और जो टेंस डिजिट था वो यूनिट डिजिट। तो मैंने यही लिखा यूनिट डिजिट तो हमारा वाई बन जाएगा और टेंस डिजिट हमारा एक्स बन जाएगा। अब नंबर क्या बनेगा, नंबर तो वैसे ही बनेगा, जैसे ये 76 बनेगा तो 10 इंटू 7 प्लस 6, यहाँ 10 इंटू एक्स प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई। ये ऑर्डर रिवर्स करने के बाद ये एक्चुअल नंबर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या गिवन है, भाई कहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9, कि दो डिजिट के नंबर के डिजिट्स का सम 9 है, तो x प्लस वाई 9 है। 9 टाइम्स दिस नंबर इज इक्वल टू द ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। इस नंबर का 9 टाइम इक्वल है जो नंबर रिवर्स ऑर्डर करने के बाद मिल रहा है उसके ट्वाइस के। 9 टाइम्स दिस नंबर इक्वल है इसके ट्वाइस के, इक्वल रख दिया, सिंप्लीफाई करेंगे, 9 इंटू 10 10 90 वाई, 9x 20x 2y, सबको एक साइड ले आएंगे, 90y प्लस 9x, इधर आके माइनस का 20x माइनस का 2y इक्वल्स टू 0। 9x माइनस 20x इज माइनस 11x, 90y माइनस 2y इज प्लस का 88y इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन 11 से डिवाइड हो रही है, देन इट बिकम्स 11 से 11 कैंसिल, माइनस का x, 11 8 जा 88 प्लस 8y इज इक्वल टू 0। एक ये दो इक्वेशन बन गए। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट कैसे कब कर सकते हैं, पहली बात तो दोनों वेरिएबल के कोफी, मतलब जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है दोनों इक्वेशन में, उस वेरिएबल के कोफिशियंट्स या तो सेम होने चाहिए, अगर बिल्कुल सेम नहीं है तो उनका सिर्फ साइन अपोजिट होना चाहिए। यहाँ पे देखिए x का यहाँ कोफिशियंट 1 है, यहाँ माइनस 1 है, अगर साइन अपोजिट है तो ऐड कर देंगे उन दोनों इक्वेशन को ताकि इससे ये कैंसिल हो जाए, अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि इससे ये कैंसिल हो जाए। यहाँ अपोजिट साइन है तो हम ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस x प्लस 8y इज इक्वल टू 0, इससे ये कैंसिल, 8y प्लस वाई इज 9y इज इक्वल टू 9 प्लस 0 इज 9, 9 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके 9 से 9 कैंसिल 1 आ गया। y की ये वैल्यू हम इसमें भी पुट कर सकते हैं, इसमें भी मर्जी है, पुट वैल्यू y इन इक्वेशन फर्स्ट, मैंने फर्स्ट में पुट की, x प्लस वाई की जगह मैंने 1 रखा इज इक्वल टू 9, 1 उधर जाके माइनस का, x इज इक्वल टू 8, सो यूनिट डिजिट x कौन था हमारा यूनिट डिजिट और y कौन था टेंस डिजिट, यूनिट डिजिट आ गया हमारा 8, टेंस डिजिट आ गया 1। तो नंबर क्या बनेगा, 10 इंटू टेंस डिजिट मतलब 1 प्लस यूनिट डिजिट, 10 इंटू 1 इज 10 प्लस 8, 10 प्लस 8 इज 18। तो ये आ गया हमारा नंबर जो एक्चुअल नंबर था।
तो बस ध्यान रखना कि हमारे पास दो डिजिट का नंबर है, तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर बनाने का 10 × 10 प्लस है यूनिट डिजिट। तो यहाँ तक के जितने भी एग्जांपल्स है, क्वेश्चंस है, आप ट्राई करके देखना खुद से। ये हमारा एलिमिनेशन मेथड था एक्सरसाइज 3.4 तक। थैंक यू।